असला मैं जुलेखा अरफाजा किचन से तो चलिए बनाते हैं चिकन तंदूरी मायो सैंडविच साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सैंडविच बनाते हैं आज का चलिए ली में 250 ग्राम ये चिकन बोनलेस है इसकी चर्बी निकाल ली और मैंने मीडियम मीडियम पीस कर लिया आप देख सकते हैं उबाल आ जाने दीजिए जब उबाल आ जाए तो स्लो आज करके इसे ढाक कर तब तक पकने दीजिए जब तक पानी ऑल दो सूख नहीं जाता और चिकन नहीं गल जाती साइड बाय साइड में थोड़ी सब्सियां काट लेती हूँ एक मीडियम साइज की प्याज लीजिए और उसे इस तरीके से छुंदा काट लीजिए यानी कि बारीक काट लीजिए अब शिमला मिर्च अगर आपके पास एक है तो आप हरा वाला भी ले सकते हैं अब मेरे पास तो क्या है ना थोड़ा सा वन फोर्थ पोर्शन जितना हरा रखा हुआ था तो मैं उसे बारीक काट लेती हूँ और आधा मेरे पास यहाँ पर पीली शिमला मिर्च रखी तो मैं वो भी डाल देती हूँ अब आपके ऊपर डिपेंड है आप सिर्फ एक ही तरीके की मतलब यानी कि हरी शिमला मिर्च डालना चाहते हैं तो एक मीडियम साइज़ की हरी शिमला मिर्च को बारीक काट लीजिए और एक मीडियम साइज़ या छोटी सी साइज़ का जो गाजर आता है उसे भी इसी तरीके से बारीक काट कर ये देखिए ये सारी सब्ज़ी मैंने काट ली इसे साइड पर रख देते हैं मैंने एक भी बार चिकन को चेक नहीं किया चलिए मैं देख लेती हूं ये देखिए चिकन देखने से ही आपको लग रही है कि गल चुकी है तो यहाँ चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए और इसे फास्ट आंच पर पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता जब सूख जाए तो यहाँ चूल्हे को कर दीजिए बंद और जब कंप्लीटली ठंडी हो जाए चिकन तो इसे हाथों की मदद से श्रेड कर लीजिए ऐसे अब एक बाउल के अंदर ये जो श्रेड करी हुई चिकन ऐसे डाल दीजिए जो सब्जियां आपने काट के रखी हैं वो भी सारी डाल दीजिए इसी बाउल के अंदर और ये वाले बाउल को साइड पर रख दीजिए अब हम एक नया बाउल लेके उसमें मायोनीज का एक प्रिपरेशन बना लेते हैं तो एक दूसरा बाउल लीजिए उसके अंदर एक कप तंदूरी मायो डाल दीजिए मायोनीज कोई भी कंपनी का होगा चलेगा एक कप डाल दीजिए और आधा कप सादा मेयोनीज जो हमारा वाइट वाला रेगुलर मेयोनीज जिसे कहते हैं वो आता है वो डाल दीजिए और अब मैं यहाँ वन फोर्थ कप जितना है ना गार्लिक चिली सॉस डाल रही हूँ अब यहाँ आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए और तो आप बेशक वन फोर्थ कप से ज़्यादा डाल सकते हैं ये अब टोटली आपके ऊपर है मैं वन फोर्थ कप ही डाल रही हूँ वे सारे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये थोड़े से हल्के स्पाइसी बनते हैं बट आप क्या कीजिए अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है तो वन फोर्थ कप के बजाय एक या दो टेबल स्पून रेड चिली गार्लिक सॉस डालिएगा अब ये प्रिपेयर्ड मायो सॉस को हमारी जो सब्जियाँ वाली जो प्याला है बड़ा सा बाउल है उसमें डाल दीजिए और उसको डालकर उसे भी मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से और साइड पर रख दीजिए अब हम ब्रेड का कर लेंगे इसके बाद अब ब्रेड लीजिए उनके चारों कट्ठे यानी कि एजेस निकाल दीजिए छुरी की मदद से आप चाहें तो कैंची से भी जो हमारी किचन कैंची जो आती है उससे भी काट सकते हैं और इन्हें जो एजेस है निकाल निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसे तो चलिए मैंने सारे निकाल लिए हैं अब एक ब्रेड लीजिए और अच्छे से मक्खन लगा दीजिए और दूसरे साइड दूसरे ब्रेड पे भी मक्खन लगा दीजिए इसी तरीके से सारे ब्रेड्स पे मक्खन लगा दीजिए और साइड पर रखते जाएं और जब मक्खन लगा लें तो अब ये जो हमारा हमने जो मिक्सचर बना के रखा है हमारा चिकन तंदूरी मायो वाला वो लीजिए और इसका जेनरस अमाउंट है ना हमारे एक ब्रेड के ऊपर लगाएं और दूसरे ब्रेड से उसको ढाक दीजिए ऐसे इसी तरीके से सैंडविचेस बनाते जाएं और साइड पर रखते जाएं अच्छा अब आप ज़्यादा डालेंगे तो सैंडविचेस कम बनेंगे और नॉर्मली जितना हम डालते हैं मिक्सचर उतना डालिएगा तो ज्यादा बन जाएंगे आपके सैंडविच इसमें आप देख सकते हैं मैं थोड़ा ज्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ मिक्सचर पसंद है बट ये टोटली आपकी चॉइस है आपको जितना डालना हो तो ये चलिए आप बीच में से ऐसा त्रिकोण काट लीजिए सैंडविचेस को और ये बन गए हमारे मजेदार से चिकन तंदूरी मायो सैंडविचेस आप चाहें तो इसे सुबह में नाश्ते में बनाएं आप चाहें तो शाम को अपने फ्रेंड्स या फैमिली या गेस्ट आए तब बनाकर इन्हें सर्व कीजिए बहुत ही मज़ा आएगा बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट भी उतने ही आपने देख रखा है अच्छा इसी तरीके से मैंने दो तीन वेज सैंडविचेस और चिकन सैंडविचेस की पाँच पाँच मिनट के अंदर रेडी होने वाली सैंडविचेस की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ चेक कर लीजिएगा है ना मज़ेदार मज़ा आया देख के बनाकर भी बहुत मजा आएगा अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से आजिरूंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ